हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल संडे खूब एंजॉय किया सभी लोगों ने। कल नहीं, परसों, सॉरी, खूब एंजॉय किया सभी लोगों ने। चलो, अब समय आ गया है पढ़ाई करने का और अच्छे से अपना पढ़ाई करते हैं। तो बेटा, एरर का टॉपिक आप लोगों का चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी उसके अंदर, डेरिवेशंस वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह, बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो आज हम एक नया पॉइंट उसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं और अगली 2 क्लास में हमारा जो एरर का टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम अपना डायमेंशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी डायमेंशन मैंने आप लोगों को ना बेटा पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारा एरर का ही टॉपिक चल रहा है। बस आप लोग इतना ध्यान रखें कि जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। सभी प्रॉब्लम्स, जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जितने भी आप लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, वो सब एक एक करके आपको ना अपना शॉर्ट आउट करके चलनी है। जो भी समस्या है उसे अपना क्लियर करके चलना है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी फंसनी नहीं चाहिए। सब आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। आप कहें किसी कोई अगर आपसे पूछे ना कि भाई फिजिक्स की क्या स्थिति है, आप कहें कि भाई बहुत शानदार स्थिति है, हमें सब कुछ आता है फिजिक्स में, हमें कोई डाउट नहीं है फिजिक्स में, अब तक सब कुछ क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ऐसी स्थिति होनी चाहिए। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, और उस टॉपिक का नाम है इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम इन्हें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम भी देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो फिजिक्स में हमारे सामने आते हैं, या जब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो लैब में आपको कुछ प्रैक्टिकल करने को मिलेंगे। वहाँ प्रैक्टिकल करते समय वर्नियर कैलीपर, स्क्रू गेज, स्पैरोमीटर, लीस्ट काउंट, ये बहुत सारे वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। आज वो सभी वर्ड्स, वो सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंस्ट्रूमेंट। देखिए स्टूडेंट, हम लोग अपनी 11th क्लास की फिजिक्स में वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारे पास में वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर, ठीक है बेटा। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारे पास में स्क्रू गेज। दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गेज, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। अभी यार देखो, तुम 11th क्लास में आ गए, अब तक जर्नली तुमने लंबाई मापने के लिए काहे का यूज़ किया? तुमने लेंथ को मापने के लिए यूज़ किया मीटर स्केल का। आज तक अपनी कॉपी में, अपने ड्राइंग बुक में, अपनी मैथ्स नोटबुक में, आपने हर जगह लेंथ को मेज़र करने के लिए मीटर स्केल का यूज़ किया है, मीटर स्केल का। लेकिन जब आप 11th स्टैंडर्ड पर आ जाते हैं बेटा, तो वहाँ आपके सामने इतनी छोटी छोटी लंबाई आती है, इतनी छोटी छोटी लेंथ आती है, इतनी छोटी छोटी थिकनेस आती है, कि उन्हें मीटर स्केल से मेज़र करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, यानी एक प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट मेथड नहीं होगा। अब मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए, अगर मैं अपने हेयर सैंपल की थिकनेस, अपने बाल की मोटाई मीटर स्केल से मापना यूज़ कर दूं या मापना शुरू कर दूं, तो आप मुझे मूर्ख कहेंगे कि भैया सर तो मूर्ख हो गए हैं। अपने बाल की मोटाई भी कोई मीटर स्केल से माप सकता है? बिल्कुल नहीं माप सकता है। यानी अलग अलग लेंथ को मेज़र करने के लिए, अलग अलग लंबाई को मापने के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाई गई हैं। हम कभी मान लो हमें अर्थ से लेकर मून के बीच की डिस्टेंस मेज़र कर रही है, क्या अर्थ से लेकर मून के बीच की डिस्टेंस हम मीटर स्केल से मेज़र कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बात समझ में आ रही है? तो अलग अलग लेंथ को मेज़र करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस तैयार की गई हैं, और वो 3 डिवाइसेस हमारे पास में है। अब तक हम यूज़ कर रहे थे बेटा मीटर स्केल का, ठीक है, मीटर स्केल का। लेकिन छोटी लंबाई को मापने के लिए अब हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलीपर और स्क्रू गेज का, छोटी लंबाई
और छोटी मोटाई को मापने के लिए अब इंस्टेड ऑफ मीटर स्केल हम यूज़ करने वाले हैं वर्नियर कैलीपर और स्क्रू गेज। उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब इन सभी डिवाइसेस के अंदर जितनी भी डिवाइसेस आती है, यही नहीं बेटा कोई भी डिवाइस हो, सभी डिवाइसेस के अंदर एक कॉमन पॉइंट हमारे सामने आता है। उस कॉमन पॉइंट का नाम है लीस्ट काउंट। उस कॉमन पॉइंट का नाम है लीस्ट काउंट। जितनी भी डिवाइसेस आपके सामने आती हैं, सिर्फ यही नहीं, दुनिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं सबके अंदर एक टर्म आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट का मतलब यह है कि कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकती है, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकती है, वही उसकी लीस्ट काउंट होती है बेटा। कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकती है, वही उसकी लीस्ट काउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक रिस्ट वॉच है। उस रिस्ट वॉच के अंदर थ्री हैंड्स क्लॉक हैं, एक आवर्स के लिए, एक मिनट्स के लिए और एक सेकंड के लिए। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? जो निडल सेकंड को मापने के लिए है वो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र करती है। यानी मेरी रिस्ट वॉच के अंदर सेकंड, एक सेकंड, वन सेकंड सबसे छोटा टाइम है, उससे छोटा टाइम कुछ हो नहीं सकता है। तो मेरी रिस्ट वॉच की जो लीस्ट काउंट होगी वो वन सेकेंड होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, इसके बाद देखिए, मान लीजिए मेरे पास में कोई वेगिंग मशीन है, कोई मेरे पास में वजन मापने वाली मशीन है, और वो वजन मापने वाली मशीन सबसे छोटे से छोटा, सबसे छोटा 1 मिलीग्राम मेज़र कर सकती है, 1 मिलीग्राम। वो वेगिंग मशीन 1 मिलीग्राम से नीचे नहीं जा सकती है। तो उस वेगिंग मशीन की जो लीस्ट काउंट होगी वो होगी 1 मिलीग्राम, वो होगी 1 मिलीग्राम। बात समझ में आ रही है बेटा? तो कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र कर सकती है, सबसे छोटी वैल्यू, बिल्कुल लीस्ट वैल्यू, उसे हम लोग नाम देने वाले हैं लीस्ट काउंट। तो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास में दो, हमारे सिलेबस में, चाहे वो नीट का सिलेबस हो, चाहे वो JEE का सिलेबस हो, या वो आप लोगों का बोर्ड का सिलेबस हो, हमारे पास में दो ही डिवाइसेज हैं। एक का नाम है वर्नियर कैलीपर और एक का नाम है स्क्रू गेज। समझ में आ रही बेटा? उसके बाद हमने आपको बताया लीस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डन बाय एनी डिवाइस। ठीक है, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी मेजरमेंट लेगी वही उसकी लीस्ट काउंट कहलाएगी। और जिस डिवाइस की लीस्ट काउंट जितनी कम होती है, जिस डिवाइस की लीस्ट काउंट जितनी कम होती है, वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है बेटा, वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाती है। पहले ये नाम लिखिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। देखिए बेटा, अब जैसे मैं आप लोगों को अगर बताऊं, ध्यान से देखिएगा, लेंथ को मापने के लिए, लेंथ को मेज़र करने के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं मीटर स्केल का बेटा, मीटर स्केल। ठीक है, आपके पास में जो स्केल है मीटर स्केल, उसे हम लोग बोलते हैं लंबाई को मापने के लिए सबसे पहले हम इसका यूज़ करते हैं। अगर इससे लंबाई हम नहीं माप सकते हैं, लंबाई इतनी छोटी है कि मीटर स्केल का यूज़ करके हम उसे मेज़र नहीं कर सकते हैं, फिर हम यूज़ करते हैं वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर, वर्नियर कैलीपर, बात समझ में आ रही है? लेकिन लंबाई अगर इतनी छोटी हो गई कि वर्नियर कैलीपर से भी मापी नहीं जा रही है बेटा, फिर हम यूज़ करेंगे स्क्रू गेज, फिर हम यूज़ करेंगे स्क्रू गेज। बात समझ में आ रही है? और अगर स्क्रू गेज से भी मापी नहीं जा रही है तो फिर हम यूज़ करेंगे स्पैरोमीटर, स्पैरोमीटर। ठीक है, हालांकि स्पैरोमीटर आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया है बेटा। ठीक है, अब आप देखिए, मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट है हमारे पास में वो है 1 मिलीमीटर।
मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है, यानी मीटर स्केल सबसे छोटी लंबाई 1 मिलीमीटर मेज़र कर सकता है, इससे नीचे नहीं जा सकता है। वर्नियर कैलीपर की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 मिलीमीटर। हालांकि ये लीस्ट काउंट क्वेश्चन के हिसाब से बदलती रहेंगी, लेकिन अगर एक जर्नल डेटा की बात करें तो जर्नल डेटा ये होता है बेटा। स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है हमारे पास में वो है 0.01 मिलीमीटर, और अगर स्पैरोमीटर की बात करें तो स्पैरोमीटर की लीस्ट काउंट है 0.001 मिलीमीटर। ये है बेटा हमारे पास में। यानी अब आप ये देखिए कि स्पैरोमीटर की लीस्ट काउंट सबसे कम है, बताओ सबसे कम है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्पैरोमीटर सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट डिवाइस है, और मीटर स्केल की लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा है, 1 मिलीमीटर है। बताइए है या नहीं है। मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट है वो सबसे ज़्यादा है और वो है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब यह है कि मीटर स्केल सबसे लेस एक्यूरेट डिवाइस है छोटी डिस्टेंस को मापने में, छोटी डिस्टेंस को मापने में ये सबसे लेस एक्यूरेट है और ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। तो ये लीस्ट काउंट का डेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। ध्यान रखिएगा, जिसकी लीस्ट काउंट जितनी कम होगी वो डिवाइस उतना ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, यानी एक्यूरेसी ऑफ डिवाइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। ध्यान रखिएगा बेटा, एक्यूरेसी ऑफ डिवाइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। जिसकी लीस्ट काउंट जितनी कम है वो डिवाइस उतनी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो एक्यूरेसी कम होगी, और अगर ये कम होगा तो एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। करिए जल्दी से नोट, आगे चलते हैं। फिर देखो बेटा, अब जैसे मान लीजिए ये मीटर स्केल हम लोगों को दिया गया है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे मीटर स्केल एक ही जैसे हों, हर एक मीटर स्केल अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। और मान लीजिए कि ये मीटर स्केल आपको दे रखा है और आपको बताना है कि इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होगी। आपको इस मीटर स्केल को देख कर ये बताना है कि इस मीटर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी होगी। ये दो मार्क के जो बीच का गैप आपको दिख रहा है, दो मार्क के जो बीच का गैप आपको दिख रहा है ना बेटा, इसी दो मार्क के बीच के गैप को हम नाम देंगे लीस्ट काउंट। ध्यान रखिएगा, किसी भी मीटर स्केल पर जो सबसे नियर बाय टू मार्क होंगे, सबसे नियर बाय टू मार्क होंगे, उनके जो बीच का गैप होगा वही हमारा लीस्ट काउंट कहलाएगा। ये किसी भी डिवाइस पर लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है। जैसे कि आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखिए, ये आप लोग देखिए बेटा यहाँ पर, ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए। ये मार्क आप लोगों को दिख रहे होंगे। अगर मैं इसे मीटर स्केल मान लूँ, हालांकि ये मीटर स्केल नहीं है, आप छोड़ दो क्या है क्या नहीं है, आप सिर्फ ये देखो कि अगर मैं ये इसे मीटर स्केल मान लूँ और मुझे लीस्ट काउंट बतानी है कितनी है, तो दो मार्क के बीच का जो गैप होगा, दो मार्क के जो बीच का गैप होगा, वही दो मार्क के बीच का गैप मेरा लीस्ट काउंट कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको लीस्ट काउंट के बारे में पता चल चुका होगा और ज़्यादा समस्या आप लोगों को नहीं होगी। लीस्ट काउंट की जानकारी अब आप लोगों को हो चुकी है बेटा कि लीस्ट काउंट होता क्या है, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी डिवाइस नंबर एक पर, जिसका नाम है वर्नियर कैलीपर। यह है बेटा हमारी डिवाइस, इसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलीपर। हम इसका यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए, छोटी लंबाई को मापने के लिए, जहां मीटर स्केल का यूज़ नहीं हो सकता है, जहां मीटर स्केल से जो कॉमन स्केल होता है ना उसका यूज़ करके हम लंबाई नहीं माप सकते हैं, वहां हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, और इस डिवाइस का नाम है वर्नियर कैलीपर। आइए मैं इस डिवाइस के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से ये डिवाइस काम करती है, कैसे हम इस डिवाइस का यूज़ करेंगे, कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या है क्या नहीं है, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, ठीक है। ये वाला जो स्केल आप लोगों को दिख रहा है,
इसे हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, मेन स्केल। ये हमारा मेन स्केल कहलाता है बेटा। ये जो इसके ऊपर का स्केल आप लोगों को दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। ये जो मेन स्केल आप लोगों को दिख रहा है, ये मेन स्केल है। ये जो ऊपर वाला है, इसे हम लोग नाम देते हैं वर्नियर स्केल। ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाएगा बेटा, ठीक। अच्छा, ये जो दो पॉइंट आप लोगों को दिख रहे हैं, दिख रहे हैं दो पॉइंट, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी लंबाई को हमें मेज़र करना है। और ये जो वर्नियर स्केल होता है, ये मूवेबल होता है बेटा, मूवेबल, मूवेबल कुछ इस तरीके से। पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे काम करेगा। जल्दी से डायग्राम बनाइए अपनी कॉपी में। ओके बेटा, तो ये तो है हमारा मेन स्केल, ये है हमारा वर्नियर स्केल, ये है जॉ। इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रख के, मान लीजिए कि मार्कर की मोटाई या मार्कर की लंबाई मुझे मापनी है, तो यहाँ इनके बीच में हम लोग इसे रखेंगे, यहाँ इनके बीच में हम लोग इसे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये होता है मूवेबल। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्नियर स्केल को हम आगे पीछे कर सकते हैं, वर्नियर स्केल को हम आगे पीछे कर सकते हैं, वर्नियर स्केल को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे बताया बेटा मैंने आप लोगों को मेन स्केल, कि भाई इसका नाम है हमारे पास में मेन स्केल। ये हमारा मेन स्केल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मेन स्केल में दो डिवीज़न के जो बीच का गैप होता है, मेन स्केल में यहाँ पर दो डिवीज़न के जो बीच का गैप होता है, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दो डिवीज़न के बीच के कौन से गैप की मैं बात कर रहा हूँ। दो डिवीज़न के गैप की बात मैं ये कर रहा हूँ, ये दो डिवीज़न के जो बीच का गैप है, कोई भी दो डिवीज़न के जो बीच का गैप है, इस दो डिवीज़न के बीच के गैप को हम कहेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम का नाम है मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न, हम इसे नाम देते हैं मेन स्केल डिवीज़न। दो पॉइंट के जो बीच का गैप है, कोई भी दो पॉइंट के जो बीच का गैप है, ये हमारा कैपिटल एम कहलाता है, और उसे हम नाम देते हैं मेन स्केल डिवीज़न। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से, यहाँ दो पॉइंट के जो बीच का गैप आप लोगों को दिख रहा है, दो पॉइंट के जो बीच का गैप आपको दिख रहा है, उसे हम नाम देते हैं कैपिटल वी, और ये कैपिटल वी हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल डिवीज़न, वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल पर दो मार्क के जो बीच का गैप है, वो हमारा कहलाएगा कैपिटल एम, उसे हम नाम देंगे मेन स्केल डिवीज़न, ठीक है। और यहाँ पर दो मार्क के जो बीच का गैप है, उसे हम नाम देंगे कैपिटल वी, वो हमारा कहलाएगा वर्नियर स्केल डिवीज़न। अच्छा, किसी भी वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है? हमसे ना सिर्फ और सिर्फ लीस्ट काउंट पूछी जाती है, कि इस वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका बताइए क्या है। तो किसी भी वर्नियर कैलीपर की लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है, ये जो कैपिटल एम निकल कर आया है ना बेटा, मेन स्केल डिवीज़न, ये जो दो मार्क के जो बीच का गैप है, और यहाँ जो दो मार्क के बीच का गैप है, कैपिटल एम में से कैपिटल वी को माइनस कर देना है, मेन स्केल डिवीज़न में से वर्नियर स्केल डिवीज़न को माइनस कर देना है। यानी यहाँ जो दो मार्क के जो बीच का गैप होगा, समझिए बात को बेटा,
यहाँ जो दो मार्क के जो बीच का गैप होगा और यहाँ जो दो मार्क के बीच का गैप होगा उसमें से इसे माइनस कर देना है, ये निकल जाएगा हमारा लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट आप जानते हैं ही हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र करती है, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी वैल्यू मेज़र करती है उसी को हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट, वही हमारी लीस्ट काउंट कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो बेटा ऐसा है, वर्नियर कैलीपर में लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है और वो फॉर्मूला है कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। अच्छे तरीके से जान लीजिए कि कैपिटल एम क्या है। कैपिटल एम है यहाँ पर दो मार्क के बीच का गैप और कैपिटल वी है यहाँ पर दो मार्क के बीच का गैप। ये जो वर्नियर स्केल आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो स्केल आपको दिख रहा है वर्नियर स्केल, यहाँ जो दो मार्क के बीच का गैप होगा उसे हम लोग नाम देंगे वी, कैपिटल वी। ये कहलाएगा वर्नियर स्केल डिवीजन। ये हमारा लीस्ट काउंट निकालने का तरीका है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे लीस्ट काउंट, ये आप लोगों को समझना है क्या तरीका होगा लीस्ट काउंट निकालने का। देखिए जरा होता क्या है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ इनके सामने इनके बीच में यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वर्नियर स्केल आगे पीछे हो रहा है बेटा, आगे पीछे हो रहा है। तो मैंने इनके बीच में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये मान लीजिए कि मैंने यहाँ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसकी मोटाई मेज़र कर रहे हैं हम लोग। ये रेड पीस दिख रहा है ना आपको, को इसकी मोटाई हम लोग मेज़र कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया, ओके। जब इसकी मोटाई हम लोग मापेंगे तो हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट, ये जो मार्क बने हुए हैं वर्नियर स्केल पर, इनका कौन सा पॉइंट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। बेटा कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, ये जो मेन स्केल पर मार्क बने हुए हैं और ये जो वर्नियर स्केल पर मार्क बने हुए हैं ये बिल्कुल ऐसे आने चाहिए, ऐसे कोइंसाइड करने चाहिए, कोइंसाइड बिल्कुल एक के ऊपर एक आना चाहिए, बिल्कुल एक के ऊपर एक आना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहां जो दो मार्क के बीच का गैप है उसे हमने कहा है कैपिटल एम, यानी मेन स्केल डिवीजन। और यहां जो दो मार्क के बीच का गैप है उसे हमने कहा है कैपिटल वी, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन। और लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो निकाला है कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। ये हमने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला निकाला है, कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। अब आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो आपको देखना है मेन स्केल का कौन सा मार्क वर्नियर स्केल के कौन से मार्क के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। ऐसे मान लीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नाइन्थ मार्क कोइंसाइड कर रहा है बेटा। मान लो नीचे से नाइन्थ मार्क कोइंसाइड कर रहा है, नीचे से तो नाइन्थ मार्क हो गया और ऊपर से हो गया फॉर एग्जांपल 15 मार्क, ठीक है ना। ऊपर वाले स्केल पर तो हो गया 15th मार्क और नीचे वाले पर हो गया हमारा 9th मार्क, यानी 15th मार्क, ऊपर वाले का 15th मार्क नीचे वाले के 9th मार्क के साथ में बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है बेटा, ऐसे कोइंसाइड कर रहा है। तो ऊपर वाले का जो मार्क कोइंसाइड करेगा उसे हम नाम देंगे ए, जो नंबर का मार्क नीचे वाले के साथ कोइंसाइड करेगा उसे हम नाम देंगे ए, और नीचे वाले का जो मार्क ऊपर वाले के साथ कोइंसाइड करेगा उसे हम नाम देंगे बी, वो हमारा कहलाएगा बी। थोड़ा सा यार एफर्ट लगाने वाली बात है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। एक तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ दो मार्क के जो बीच का गैप है वो हमारा कैपिटल एम कहलाएगा और यहाँ जो दो मार्क के बीच का गैप है वो हमारा कैपिटल वी कहलाएगा। जब यहाँ इन दो पॉइंट के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं तो क्या होता है, मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल का कोई ना कोई मार्क कोइंसाइड करता है। बस आपको आंखें खुली रखनी है और देखना है ध्यान से कि कौन सा मार्क कोइंसाइड कर रहा है। जब हमने ध्यान से देखा तो पता ये चला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नाइन्थ मार्क कोइंसाइड कर रहा है।
नीचे से नाइन्थ मार्क, ऊपर से ये वाला मार्क, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा, ऐसे ऊपर से ये वाला मार्क हो गया, नीचे से ये वाला मार्क हो गया, ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो नीचे जितने मार्क कोइंसाइड करेंगे, ध्यान से, नीचे जो नंबर का मार्क कोइंसाइड करेगा उसे हम नाम देंगे बी, और ऊपर जो नंबर का मार्क कोइंसाइड करेगा उसे हम नाम देंगे ए। समझ आ रही बात? यानी आप ये समझिए, लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है ये, कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। ओके, कैपिटल ए कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, और बी कहलाएगा हमारा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड, जो कोइंसाइड कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अच्छा, अब आप एक बात देखिए, यहां से लेकर जितना यहां तक का गैप है बिल्कुल इतना ही गैप यहां तक का है, यहां से लेकर यहां तक का जितना गैप है बिल्कुल उतना ही गैप यहां से लेकर यहां तक का है बेटा। तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां एक फॉर्मूला बनेगा ए एम इज इक्वल टू बी वी, जो हमेशा आप लोगों को याद रखना है। बस आप ये समझ लीजिए कि लीस्ट काउंट निकालने का एक फॉर्मूला तो हो गया मेरे पास में, ये कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी, और लीस्ट काउंट निकालने के लिए मैं यूज करूंगा इस कंसेप्ट का, ए एम इज इक्वल टू बी वी। ए का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल, और कैपिटल एम का मतलब है लेंथ ऑफ वन डिवीजन, वन डिवीजन की लेंथ कितनी है। बी का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और कैपिटल वी जो आप लोगों को दिख रहा है बेटा, इसका मतलब है वर्नियर स्केल पर एक डिवीजन की लेंथ कितनी है। लीस्ट काउंट की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी डिवाइस जो सबसे छोटी मेजरमेंट करेगी वो लीस्ट काउंट कहलाएगी। ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास में एक और रिलेशन है जिसका यूज़ करके हम लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू बी इंटू कैपिटल वी। अब मैं आप लोगों को इसके ऊपर बताता हूँ प्रॉब्लम, काफ़ी कुछ कंसेप्ट आपका प्रॉब्लम से भी क्लियर होगा, आप पहले इसे नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ बेटा। चलिए बेटा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम हम किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान से देखिएगा जरा, प्रॉब्लम नंबर वन, सबसे पहली बात, हम यूज़ कर रहे हैं वर्नियर कैलीपर का, हम वर्नियर कैलीपर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें लीस्ट काउंट निकालनी है, अभी सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, ऐसे ही अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हमें लीस्ट काउंट निकालनी है, हमें ये कहा नाइन्थ डिवीजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड विद टेंथ डिवीजन, कोइंसाइड विद टेंथ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा जरा, नाइन्थ डिवीजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड विद टेंथ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल,
और जो मेन स्केल के एक डिवीजन की चौड़ाई है वो आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर। जो मेन स्केल के कैपिटल एम की वैल्यू है वो आपको दे रखी है 1 मिलीमीटर। ये ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको लीस्ट काउंट बतानी है कितनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, बताइए लीस्ट काउंट कितनी होगी। चलो भैया बताते हैं कैसे बताएंगे, ज़रा देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है ये, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। अब कैपिटल एम तो है मेरे पास में, कितना है 1 मिलीमीटर। अगर किसी तरीके से कैपिटल वी भी पता चल जाए तो काम बन गया, हो गया काम, वर्नियर कैलिपर की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी। अब कैपिटल वी मैं कैसे निकालूंगा, इसके लिए ज़रा देखो बेटा, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया, ए इंटू एम इज इक्वल टू बी इंटू कैपिटल वी, ए एम इज इक्वल टू बी वी। मेरे पास में जो फॉर्मूला है वो ये है, ए इंटू कैपिटल एम इज इक्वल टू बी इंटू कैपिटल वी, ये फॉर्मूला है हमारे पास में। ए क्या है, ए है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल। हमेशा सिर्फ टर्मिनोलॉजी अगर याद रखोगे ना तो सवाल ऐसे ही बनते चले जाएंगे आप लोगों के। स्मॉल ए का मतलब क्या है, स्मॉल ए का मतलब है मेन स्केल पर कितने डिवीजन है। क्यों भाई कितने डिवीजन है मेन स्केल पर, मेन स्केल पर 9 डिवीजन है, तो ए की वैल्यू हो गई 9। कैपिटल एम क्या है, गिवन है ये रहा 1 मिलीमीटर, कैपिटल एम की जगह रख दिया 1। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है कि वर्नियर पर कितने डिवीजन है, कितने हैं भाई वर्नियर पर, दे रखे हैं आप लोगों को 10, वर्नियर पर है 10, साथ में हो गया कैपिटल वी, कैपिटल वी की वैल्यू निकाली तो आया 9/10 यानी 0.9 mm। हमारे पास में कैपिटल वी की वैल्यू निकल कर आई 0.9 mm, बस हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या करना है, कैपिटल एम तो मेरे पास में पहले से था, कैपिटल वी मेरे पास में अब आ चुका है, और लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा अपने पास में, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कैपिटल एम हो गया 1 मिलीमीटर और कैपिटल वी हो गया 0.9 मिलीमीटर। जैसे ही माइनस करेंगे आंसर आएगा 0.1 मिलीमीटर। लीजिए साहब, वर्नियर कैलीपर की जो लीस्ट काउंट निकल कर आएगी हमारी, वो निकल कर आएगी 0.1 मिलीमीटर। उम्मीद है कि कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ ज़रूर होगा, पता चला होगा कि किस तरीके से मैंने बनाई है चीज़ें। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताते हैं। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 भी लगभग लगभग वैसा ही है, और ये भी हमारा वर्नियर कैलीपर के ऊपर ही बेस्ड है बेटा। इस बार हमें ये कहा गया है, ध्यान से ज़रा आप लोग समझिएगा, हमें ये कहा गया है 19th डिवीज़न ऑन मेन स्केल। ठीक है बेटा, मेन स्केल पर है 19th डिवीज़न और वर्नियर स्केल पर है 20th डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल। ये आपस में ना कोइंसाइड है। मैंने कोइंसाइड का मतलब अभी आप लोगों को लास्ट इमेज में बताया कि कोइंसाइड का मतलब है ऐसे, जब ऊपर वाले स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, नीचे वाले को बोलते हैं वर्नियर स्केल, जब दोनों के मार्क ऐसे कोइंसाइड कर जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो 19th डिवीज़न ऑन मेन स्केल कोइंसाइड विद 20th डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल।
और यहाँ हमें कैपिटल वी की वैल्यू दे रखी है 0.95 मिलीमीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल वी। वर्नियर यानी वर्नियर जो स्केल है उस पर एक मार्क की चौड़ाई हमें दे रखी है। लीस्ट काउंट हमसे पूछी है कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आप ये देखो कि जर्नल फार्मूला क्या होता है। लीस्ट काउंट निकालने का जो जर्नल फार्मूला है हमारा वो ये है, कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। ये हमारा लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है वर्नियर कैलिपर में, कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। कैपिटल वी तो है मेरे पास में 0.95 मिलीमीटर। अगर किसी तरीके से कैपिटल एम पता चल जाए, यहाँ पुट करके माइनस करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब कैपिटल एम हम कैसे निकालेंगे? इसके अलावा एक फार्मूला हमारे पास में और होता है बेटा, और वो फार्मूला है ये, ए एम इज इक्वल टू बी वी। इसके अलावा एक फार्मूला हमारे पास में और होता है और वो है ए एम इज इक्वल टू बी वी। आइए देखते हैं कि ये फार्मूला क्या है। ए का मतलब है मेन स्केल पर कितने डिवीज़न हैं, 19, कैपिटल एम। बी का मतलब है वर्नियर स्केल पर कितने डिवीज़न हैं, 20, ओके। और कैपिटल वी का मतलब है वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की चौड़ाई कितनी है। वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की चौड़ाई है 0.95। ये हमारे वर्नियर स्केल के एक डिवीज़न की चौड़ाई है बेटा, ठीक है। हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। बताइए बात समझ में आई है या नहीं आई है? जब कैपिटल एम हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 20 0.95 अपॉन 19, ओके। यहाँ आएगा 9.5 और यहाँ आएगा हमारे पास में 19। तो कैपिटल एम की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में 0.5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना बेटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास में 19 आएगा यहाँ पर, 1 मिलीमीटर आएगी बेटा। कैपिटल एम की जो वैल्यू निकल कर आएगी ना हमारे पास में यहाँ पर, वो निकल कर आएगी 1 मिलीमीटर। ये कैपिटल एम की वैल्यू निकल कर आएगी 1 मिलीमीटर, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास में ये है और एक ये है, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने किया है। बस उठाकर वैल्यू पुट कर दो। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कैपिटल एम कितना है आपके पास में, 1, माइनस कैपिटल वी कितना है, 0.95। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.05। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.05। ये हमारी लीस्ट काउंट की वैल्यू निकल कर आएगी इस प्रॉब्लम के लिए। बेटा जब भी वर्नियर कैलिपर का सवाल करना हो ना, बस दो बातें अपने दिमाग में रखना कि एक तो लीस्ट काउंट निकालने का हमेशा जर्नल फार्मूला यूज़ करना है, और जर्नल फार्मूला है कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी, और एक फार्मूला है ए एम इज इक्वल टू बी वी। आपको इसके टर्म्स का पता होना चाहिए कि ए क्या है, बी क्या है, एम क्या है और वी क्या है। अगर आपको टर्म्स के बारे में पता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ए एम बी वी, अगर आपको टर्म्स के बारे में पता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी होने वाली हैं बेटा, ठीक है। कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी वर्नियर कैलिपर के ऊपर थी बेटा सेकंड प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर थर्ड प्रॉब्लम की। वर्नियर कैलिपर, ठीक है। देखो बेटा इस बार हमें क्या कहा गया है, nth डिवीजन ऑन मेन स्केल,
मेन स्केल पर है nth डिवीजन, ध्यान से बेटा, ठीक है, मेन स्केल पर है nth डिवीजन और n माइनस के 1 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर, ध्यान से बेटा, n माइनस के 1 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर, बिल्कुल ध्यान से, nth डिवीजन है मेन स्केल पर, n माइनस के 1 डिवीजन है वर्नियर स्केल पर, और वो आपस में ऐसे कोइंसाइड कर रहे हैं, कोइंसाइड, इतने डिवीजन मेन स्केल पर और इतने डिवीजन वर्नियर स्केल पर कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर हमें लीस्ट काउंट दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, ओके बेटा, अगर हमें वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, तो मुझे कैपिटल एम निकालना है कितना होगा। कैपिटल एम का मतलब क्या है, मेन स्केल पर जो एक मार्क बना होता है ना, वो जो गैप बना होता है, उन दो मार्क के बीच का गैप कितना है, मेन स्केल पर वो जो डिविजन्स बनी होती हैं उनके बीच का गैप कितना है, ठीक है, कॉमन फार्मूला मैं यूज़ करूँगा। लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला है मेरे पास में कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी। अब यहाँ लीस्ट काउंट ऑलरेडी मुझे गिवन दी गई है और यह है 0.2 इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस कैपिटल वी, इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा हमारे पास में, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अलावा लीस्ट का हमारे पास में वर्नियर कैलिपर में एक और फॉर्मूला होता है, इसके अलावा हमारे पास में वर्नियर कैलिपर के अंदर एक और फॉर्मूला होता है, क्या है वो दूसरा फॉर्मूला, इसके अलावा वर्नियर कैलिपर में जो हमारे पास में दूसरा फॉर्मूला है वो ये है बेटा, ए एम इज इक्वल टू बी वी। ए क्या है, मेन स्केल पर कितने डिवीजन है, वो ए है, कितने डिवीजन है मेन स्केल पर, एन, मेन स्केल पर जो डिवीजन है वो एन है, साथ में है एम। बी क्या है, वर्नियर स्केल पर कितने डिवीजन है, कितने डिवीजन है, एन प्लस वन डिवीजन है वर्नियर स्केल पर, साथ में है वी हमारे पास में। यहां से देखो वी की वैल्यू निकल कर आएगी एन एम अपॉन एन प्लस वन, ये हमारी v की वैल्यू निकल कर आई है, यहाँ से v उठाकर यहाँ पुट करते हैं, देखिए क्या आंसर बनेगा, 0.2 इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस एन एम अपॉन एन प्लस वन, बस सॉल्व करना है और m निकालना है और कुछ नहीं करना, ये हो गया 2 अपॉन 10 एन एम प्लस एम माइनस के एन एम अपॉन एन प्लस वन, कैंसिल आउट, ठीक है बेटा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 अपॉन 10 साथ में है एन प्लस वन इज इक्वल टू कैपिटल। लो साहब, हमारे पास में जो कैपिटल एम की वैल्यू निकल कर आई है वह है 2n + 2 upon 10, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, ये कैपिटल एम हमारा निकल कर आया है, इतना होगा बेटा हमारा मेन स्केल डिवीजन। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना कि मिस्टेक ना हो कहीं पर, कहीं अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसे करेक्ट कर लेना, और अगर v आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से v आपका निकल जाएगा। कैपिटल M भी हमारा निकल चुका है, कैपिटल V भी हमारा निकल चुका है, लीस्ट काउंट हमें पहले से गिवन दी गई थी, ऐसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कि जहां हम मीटर स्केल का यूज़ ना कर पाएँ वहां हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, स्पैरोमीटर का। लीस्ट काउंट क्या होता है मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया, वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल क्या होता है, कोइंसाइड क्या होते हैं, ए किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे, एम किसे कहेंगे, वी किसे कहेंगे, और लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है और कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब कल की क्लास में पहले मैं वर्नियर कैलिपर के ऊपर 2 क्वेश्चन विद लैंग्वेज आपको कराऊंगा बेटा, विद लैंग्वेज, उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा स्क्रू गेज, उसके बाद मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा स्क्रू गेज, और मैं कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि ये जो एरर का टॉपिक है आप लोगों का ये फिनिश हो जाए, एरर का टॉपिक ना बचे, ठीक है। चलिए आप लोगों से कल की क्लास में मिलेंगे, ओके।